बांकी विधानसभा क्षेत्र के नीलांबर पीताम्बरपुर में झारखंड के वीर सपूत शहीद नीलांबर पीताम्बर की पुण्यतिथि पर शहादत समारोह आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। बांकी विधायक शशिभूषण मेहता ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके शहादत को याद किया। जो दो भाई थे स्वतंत्रता के इतिहास में इनका अहम योगदान था, अहम रोल था। इन दोनों भाइयों का आज 164वीं शहादत दिवस है, जो हम इनके शहादत दिवस पर हम कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे, कोटि कोटि हम इनको याद करना चाहेंगे, प्रणाम करना चाहेंगे। इनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, जो आज़ादी के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी। निश्चित रूप से इनकी कुर्बानी को तब तक हम सफल नहीं मानते हैं जब तक इनके द्वारा जो स्वतंत्रता का जो बिगुल फूका गया था वह हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, और इनके द्वारा जो स्वप्न देखा गया था कि वो ऐसे समाज जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उन तक ये पहुँचे, विकास के किरण पहुँचे, उसके लिए सो हम तमाम लोग ऐसे विकास की किरण पहुँचा करके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने के बाद ही इनका स्वप्न साकार होगा, और हम इनको कोटि कोटि ऐसे प्रणाम करना करते हुए आज इनका इसी प्रखंड में ये हुआ था, इनका फांसी दी गई थी इसी ये लेसलीगंज स्थान में, जिसका पुराना नाम हम समझते हैं कि ये छौनी था, और उसमें रख किया गया था, घोरासी डबरा में किया गया था। और इनके नाम पर हम लोगों ने प्रयास के बाद ये किया कि इस प्रखंड का नाम नीलांबर पीताम्बर होगा, लेसलीगंज के स्थान पर होगा, और इस सरकार ने इसको अधिसूचना भी किया। लेकिन दुख की बात है कि इन शहीद के नाम से जो सरकार ने घोषणा किया था कि इस प्रखंड का नाम, थाना का नाम और सब जगह इस प्रखंड का नाम होगा नीलांबर पीताम्बर, लेकिन आज तक कार्य रूप नहीं दिया गया। हम आज इनके पुण्यतिथि के अवसर पर, शहादत दिवस के अवसर पर हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इनके इस स्थल को सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी कार्यक्रम में और उपयोग में नीलांबर पीताम्बर प्रखंड का सलाह है, और इनके प्रति है सो सदा सुमन सो अर्पित करने का काम करें, और ये यही है सो हम तमाम लोगों की, इस झारखंड के तमाम सो जन जन की ऐसी इच्छा है, लामू वासियों की इच्छा है, और हम आदिवासी मूलवासियों की यही इच्छा है कि इनका शहादत तभी है सो ये साकार होगा जब इनके नाम पर सरकार सभी जगह उपयोग में लाना करें, ये प्रखंड का नाम उपयोग में लाना चाहे, तभी हो सकता है। हम ऐसा अपने इनको फिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए